जल्द्रुगो नमस्कार। सो गाइज, वेलकम टू VHS एकेडमी। इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 मोस्ट कॉमन डाउट्स विद रिगार्ड्स टू CRSP एग्जामिनेशन। CRSP मीन्स कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल। नाउ एज लॉट ऑफ पीपल्स हैव आस्क्ड मी मल्टीपल टाइम्स दैट सर वी वांट टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, टेल अस द पैटर्न। एक्चुअली विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक, नो, इन हिंदी में बहुत ज़्यादा कमी वीडियो अवेलेबल है, मतलब इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नॉट टू मच वीडियोज आर अवेलेबल। सो इफ यू डो नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको नहीं पता वॉट इज CRSP एग्जामिनेशन, वॉट इज इट्स एलिजिबिलिटी, लाइक किधर वो एप्लीकेबल होता है, देन यू कैन चेक आउट अवर अदर वीडियो ऑन CRSP एग्जामिनेशन। तो उधर मैंने सब कुछ कवर कर रखा है कि एक्चुअली CRSP होता क्या है, वॉट अबाउट इट्स बेनिफिट्स, एंड आफ्टर द कंप्लीशन वॉट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी गेटिंग। ओके, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट वीडियो। बट नाउ इन टूडेज वीडियो, आज के इस वीडियो में वी विल बी ओनली लुकिंग एट वॉट आर द 12 मोस्ट कॉमन डाउट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स विद रिगार्ड्स टू CRSP एग्जामिनेशन। ओके, बिकॉज वेरी एज आई टोल्ड यू इनिशियली इटसेल्फ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्पेशल, वाई, बिकॉज जो क्वेश्चन आपका रहेगा ना, दिस इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन CRSP वेबसाइट। आई एम जस्ट मेकिंग यू फैमिलियर विद दैट, एंड द आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन ओवर दैट। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली विजिट टू द वेबसाइट। वेबसाइट पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे तरीके से, क्या क्या वो उसमें क्वेश्चन रहते हैं। मे बी आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन हो, यू ऑल्सो विल बी हैविंग द सेम डाउट्स, इफ इट इज देयर मीन्स इट विल बी क्लियर इन द टुडेज़ वीडियो। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। ओके, सो नाउ वी आर ऑन DCRSP वेबसाइट। ओके, सो एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वी विल कवर इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी, सो बोथ द लैंग्वेज पर्सन कैन बी कंफर्टेबल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, इट इज रिगार्डिंग डू आई नीड कैनेडियन एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन। बहुत बार पूछा जाता है कि भाई मेरे को CRSP करने गया किधर भी, ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि CRSP, मतलब कैनेडा का एक्सपीरियंस काउंट होगा, इंडिया का नहीं होगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, सो द सिंपल आंसर इज दैट व्हाट CRSP सेइंग इज नो, you do not need to have Canadian experience to apply for certification with your DCRSP. Now, the basic fundamental eligibility to apply for CRSP examination is 4 years of experience, okay, apart from your bachelor's degree. Now, this experience, it may be from anywhere. If you are working in US, then also this experience will be counted, but it should be verifiable. Okay, हवा में नहीं बोल सकते कि भाई मैंने 4 साल काम किया उधर, 8 साल उधर काम किया, ऐसे नहीं, बट वेरीफाइबल होना चाहिए। इंडिया में भी काम किया तो चलेगा, that will also be counted. Okay, so the first doubt is that any experience, if you are taking from any country, it may be Africa, US, Singapore, Malaysia, Australia, China, from wherever you are taking, it will be counted and it will be eligible for the CRSP examination if you are willing to approach. Or agar aap uske liye plan kar rahe ho, to kidhar ka bhi experience ho, you can go ahead. Okay. Question number second, do I need to come to Canada to write the examination certification exam? Like, aapko pata hai ki jo CRSP ka examination hota hai, aapko uske liye Canada aana padega. What's your opinion? No. No chances at all. Because ek single examination ke liye, you cannot go to Canada and write that examination. So what DCRSP is giving the answer here is no. No. Okay, DCRSP uses Pearson View. Now I will tell you Pearson View kya hota hai. Actually, bahut baar aapne naam suna hoga, CSP ke examination mein bhi suna hoga, isme bhi sun rahe ho. For the delivery of its certification examinations, and therefore you can write the examination at any PSU View test center that has been approved as a delivery option by DCRSP. Now kaisa hai na, dekho, जितना US का सर्टिफिकेशन है या फिर कैनेडा बेस्ड सर्टिफिकेशन है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं जा सकते इतना, ठीक है, मतलब जा सकते हो और कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव डन अ कोलैबोरेशन विद पियर्सन एंड व्यू। मींस व्हाट दे विल डू इज पियर्सन व्यू इज लाइक यू कैन कॉल इट जो ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज होती है ना, मतलब एग्जामिनेशन सर्विसेज होती है, उनको प्रोवाइड करता है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। सो व्हाट यू विल डू इज सम पियर्सन एंड व्यू सेंटर्स विल बी देयर ऑल ओवर द इंडिया। ओके, सो यू कैन गो देयर विद इन इंडिया। लाइक आप कैसा है, अगर आप यूपी में रह रहे हो, यूपी से यू कैन ट्रैवल टू महाराष्ट्र, यू कैन ट्रैवल टू कर्नाटका, बट फ्रॉम यूपी यू कैन डायरेक्टली ट्रैवल टू US, मींस इट्स अ कॉस्टली। ओके, सो लाइक दैट यू कैन गो टू एनी पियर्सन एंड व्यू सेंटर। इफ यू वांट टू सी व्हाट आर द लाइक अवेलेबल पियर्सन एंड व्यू सेंटर, मतलब कौन कौन से आपके घर के पास अवेलेबल है, देन यू कैन गो हियर, क्लिक हियर एंड चेक इट आउट व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। मे बी यू ऑल्सो डोंट नीड टू गो टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी जाने की जरूरत नहीं है, ये पास में मिल जाएगा, मे बी आस पास में किधर भी मिल सकता है। ओके, सो इंडिया में ही रहकर एग्जामिनेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आफ्टर दैट इफ आई एम सेलेक्टेड फॉर द एन इंटरव्यू एज पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ विल दिस बी डन। अगर आप, मतलब आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, इफ यू योर एग्जामिनेशन इज क्लियर, यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, देन वॉट विल बी द प्रोसीजर फॉर दैट, लेट्स सी व्हाट BCRSP टेल्स अबाउट दैट।
Applicants to the CRSP certification may be selected for interview. That may happen. If you are based in Canada and selected for interview, the interview may be conducted in person or via a web conferencing platform such as Zoom, Teams, etc. अब देखो कैसा generally corona का risk चल रहा है. Okay, so the interview, if you are Canada में भी हो आप, then the interview will be conducted in person. Okay, in person or via web conferencing through video conferencing or Microsoft Teams and Zoom they can utilize to conduct this interview. Or if you are based outside the Canada for selected interview, the interview may be conducted or a web conferencing platform such as Zoom Teams. Simply, अगर Canada में हो तभी वैसे ही होना है, non Canada में हो तभी भी वैसे ही होना, because COVID का risk है. Okay, people are avoiding to now also in like Western countries if you go to. So this is also clear. Now I think we have cleared three. Let's come to the fourth one. Is the IELTS compulsory? अब IELTS मतलब जिनको नहीं पता है, I'll explain what is the meaning of IELTS. IELTS कैसा होता है ना, मतलब जितना भी आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो, तो at the time there is a certain requirement that your English proficiency, like speaking English, should be at a certain level. So IELTS is a company which is doing the examination, like providing the examination to test your English language skills. Okay, how fluent you can speak, whether you can speak the English or not, you can write or not. Okay, this is the thing. Now people are generally asking, is IELTS compulsory? Generally people told that log bahut log kehte hai ki matlab 7 aapka IELTS mein score hona chahiye, then only you will be eligible to go to Canada and work there. So let's see what BCRSP tells here. No, an IELTS or TOEFL for English or TFI for French is only required if your first language is not French or English. Means if your first language, aapka pehla wala jo mother tongue ho gaya ya fir first language aap keh sakte ho, wo agar nahi hai, ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश नहीं है, देन ओनली यू विल बी रिक्वायर्ड. इफ यू अटेंड अ पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन वेयर द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश और फ्रेंच, देन एन आईलेट्स और टोफल फॉर इंग्लिश और टीएफआई फॉर फ्रेंच इज नॉट रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली यार, इधर अभी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो उधर कैसे रहता है, इंग्लिश ही रहता है. सो वॉट यू नीड टू डू इन केस इज, हाउ एवर, सी हियर देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, हाउ एवर प्लीज आस्क द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज टू राइट अ लेटर टू द बीसीआरएसपी टू वेरीफाई दैट द प्रोग्राम्स प्राइमरी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज वॉज इंग्लिश or French, please have the university or college email it direct to BCRSP or mail it in a sealed envelope. मतलब आपको एक अगेन प्रूफ देना पड़ेगा, इट शुड बी वेरीफाइबल. देख, आपने जो स्टडी किया है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, इट इज इन इंग्लिश. जब इंग्लिश में किया तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश बोलने को आएगा ना, बोलने के लिए लिखने के लिए आएगा. सो दैट प्रूफ यू नीड टू प्रोवाइड. इफ़ यू हैव अ कैनेडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन एडिशन टू योर इंटरनेशनल अकेडमिक क्वालिफिकेशन, यू आर नॉट रिक्वायर टू सबमिट प्रूफ ऑफ इंग्लिश ऑब्वियसली, और फ्रेंच इफ यू अटेंड अ फ्रेंच लैंग्वेज अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन कैनेडा फॉर प्रोफिशिएंसी. आई होप इट्स क्लियर. ओके, प्राइमरी लैंग्वेज इफ फ्रेंच और इंग्लिश, देन नो नीड टू प्रोवाइड. इफ यू हैव स्टडीड इन अ कॉलेज वेयर द इंग्लिश इज द प्राइमरी लैंग्वेज, देन यू नीड टू प्रोवाइड द proof for that. Okay, what types of WES assessment do I need? What is WES assessment? If you are applying under the non-OHS bachelor's pathway for the CRSP examination, the WES document by document report is required. देखो कैसे है ना, there are some certain academic qualifications are there, okay, through which you can approach for BCRSP examination. Now if you want to know about that, you need to go to the previous video where I have told you about what is the qualification criteria. Now there are two things. If you have OHS degree, then there is a separate pathway. If you do not have the OHS degree, then there is a separate pathway. Okay, so for those guys, those who don't have any OHS degree, means occupational health and safety degree, they need to carry out a WES document. Okay, now what is WES document, I'll make a separate video on that. If you would like your academic credential to be considered as an occupational health and safety degree program, then a comprehensive course by course report is required. It will be required, and how to make it and what is it is actually kya hota hai, uske liye main ek separate video aap log ke liye bana dunga. Okay, after that, next question is, for the references, it says one of the two must be CRSP or equivalent. What does this mean? Now see, one of your two references must have either CRSP designation or an equivalent credential that is bound by the code of ethics. Example, P engineering, CSP, CMIO, CHR, lot of credentials are there. Now what they want to tell here is, see, देखो क्या होता है ना, जब आप CRSP के लिए लगाते हो, examination लगाते हो, तो उस time पे आपको दो evidences देने रहते हैं. अब उस evidences का भी criteria होगा, ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी ADS वाले को डाल दिया, NABOSH वाले को डाल दिया, ऐसा नहीं. There is a certain criteria for that also. Now they have clarified that what must be the criteria. First of all, the person should have a CRSP designation or a credential that is equivalent to that, but should have a code of ethics. Code of ethics क्या होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ओके, प्रीवियस वीडियोज में. If you cannot find anyone with a CRSP or equivalent designation, such as example just listed, you could also use a reference with another credential that is under a code of ethics, such as lawyer or doctor, with a certification number or license number that we could use to verify their designation with the licensing board. कोई नहीं मिल रहा है CRSP, CST वाला, no problem.
डॉक्टर को पकड़ लो, लाइसेंस वो अपना ये लॉयर को पकड़ लो जिसपे कोड ऑफ एथिक्स रहता है, ठीक है, बट उनका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी आपको शेयर करना पड़ेगा, सो इन ऑर्डर दे कैन वेरीफाई विद दैट। ओके, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ फैमिली बिजनेस वेयर यू आर अ फैमिली मेंबर, यू कैन नॉट हैव अनदर फैमिली मेंबर कंप्लीट द रेफरेंसेस एज दिस वुड बी डीम्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट टू बीसीआरएसपी, दे विल टेल यू वॉट विल बी द फर्दर प्रोसीजर फॉर दैट। After that, what is the difference between the reference questionnaire and the practice questionnaire? Now, these are the two most common terms. देखो, reference questionnaire क्या होता है और practice questionnaire क्या होता है? Let's check out what it is. The practice questionnaire must be completed by your immediate supervisor, manager, or a current client for whom you are doing work for your current OHS position. अब practice questionnaire दिया जाता है आपके client को या फिर customer को जिसके आप काम कर रहे हो, ठीक है? वो complete करेगा जिसके आप OHS position पे काम कर रहे हो. On the other hand, the reference questionnaire may be completed by any other individual with whom you have a professional relationship but does not report to you, who is familiar with your work as a OHS professional. In most instances, in questionnaire would be completed by a work colleague or client or a former work colleague or client. मतलब simply आपका कोई friend है जो आपके साथ काम कर रहा है, OHS का knowledge होना चाहिए, he can complete this questionnaire. So practice questionnaire will be by employer or customer and reference questionnaire by any reference person that you are putting inside that. Okay. Both the practice and reference questionnaire are sent directly to your email you provide for your reference and then completing the application form after submission the application fees. BCRSP recommends you to confirm with your references that they have received an email with some chances of security filter may prevent delivery will slow या simply ये कहना चाहते कि अपने जो बंदे हैं अपने उसके लिए references के लिए डाले हैं ना, so you need to contact them very frequently because sometimes what may happen because of security issues वो mail pop out नहीं हो रहा, तो आपको हमेशा junk folder में या फिर normal inbox में check out करते रहना चाहिए. Okay. After that, can I submit a job advertisement in lieu of a formal job description? Let's see what is it. No, the job description must be your formal job description on company letterhead and signed by your supervisor, the HR department, or the CEO of the company. A job posting is considered a tentative conditional description that could be subject to change and negotiation prior to be hired. Which is by that's why considered valid documentation. In the absence of a formal job description, your employer may include a detailed list of your roles and duties in their job verification letter. Simply, आपको बताना पड़ता है कि आप किधर काम कर रहे हो in a formal way. So they are simply telling that. Simply, can you write in a paper and just provide that I'm working here, this is my that? No, it should be in a company letterhead. It should be in a formal format. Okay, and it should be signed by your supervisor, the HR department, or the CEO for the company, or the CEO for the company. Okay. They should be signed that, then only it will be considered. Okay. After that, I have worked for one company but in multiple roles. How should I submit my experience? Let's see. बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है यार, मैंने दो महीना इधर करा इस रोल पे, दो महीना उधर करा, तो ये कंसिडर होगा कि नहीं? अगर होगा तो कैसे होगा? तो नाउ लेट्स सी दैट. ओके, इफ यू हैव वर्कड ऑन डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट कंपनीज देन हाउ द एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड, लेट्स सी हियर. Each work experience item under the professional experience should be one individual position regardless of their had multiple position under the same company client. Multiple positions should be entered individually in your application and in chronological order starting with the most recent position. The date range of your application should not encompass multiple positions even if they were under the same employer for same health and safety manager XYZ company position held there. Okay. मतलब एक अगर आपकी कंपनी है तो उसके अंडर में आपको डालना है कि कैसे आपने काम करा है, मतलब ऐसा नहीं डालना है कि बार बार आपने भर रखा है. ओके, लाइक दैट यू नीड टू पुट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हाउ यू कैन पुट योर एक्सपीरियंस. ओके, डजंट मैटर व्हाट इज दैट. आफ्टर दैट, आई एम हैविंग डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, व्हाट कैन आई डू. बहुत सारे लोगों को होता है एम्प्लॉयर जो है डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, नहीं समझ रहा कि हम सीआरएसपी के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर सीआरएसपी एग्जामिनेशन, इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू. लेट्स सी व्हाट दे आर टेलिंग. इन इंस्टेंसेस where the company you work for is no longer in business or you are unable to contact anyone to obtain documentation, you may supply a record of employment from Service Canada. In an instance in the absence of a formal job description, you may also be supply an offer of employment. It contains the scope of your duties and responsibility. Obviously, jo offer letter mila hoga na, then that can also be considered, or otherwise record of employment from Service Canada you can also provide. These are the two options. If employer is not giving, then that not a problem. What documentation is required for proof of my work history in OHS? आपने किधर काम करा उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? तो what they are telling is, application requirements include an up-to-date resume outlining your relevant work history in OHS as well as documentation to prove the OHS work history listed in your application. जो भी आपने resume दिया है उसमें जो भी आपने mention किया है, जब जो अभी current चल रहा है वो top पे होना चाहिए, जो पुराना हो चुका है उससे last में listed होना चाहिए. So for everything you need to provide the evidences. Okay, whatever the experience you are mentioning, whatever the criteria you are mentioning, for everything you need to provide the
evidences. For each job position, you must submit a form description for official company letterhead with a list of duties and responsibilities you performed while in that position, as well as official employer verification letter on company letterhead and signed by the employer or HR department starting your position and exit dates you held the position. Employment details, start and dates, employer name, job titles in your work history must be 100% consistent across all documentation, application form, resume. Means see, जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होता है तो उस टाइम पे वो सारे के सारे सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जगह कुछ और रोल डाल रखा है दूसरे जगह कुछ और डाल रखा है. द इन्फॉर्मेशन दैट वॉट एवर यू आर पुटिंग इट शुड बी सेम इन ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. मे बी समटाइम्स लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी इन्वॉल्व इन दैट. सो इफ इट इज नॉट नॉट सेम इट मे गिव यू प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, आई हैव सबमिटेड माई सर्टिफिकेशन एग्जाम सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन टू द बोर्ड. मे आई स्टेट द फैक्ट ऑन माई रिज्यूम? If you have submitted your certification application and are in the process of seeking new employment, you may advise prospective employers that you have been made application for BCRSP. You may not indicate that you are a CRSP or candidate CRSP, a CRSP in process or a pending CRSP or a CRST. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा सकते कि भाई pending CRSP हूँ, apply कर रखा है. बस ये लिख सकते हो कि I have just applied that for CRSP. Okay? आपने अप्लाई कर रखा है, एप्लीकेशन लगा रखी है, ठीक है. बाकी जो गोल्डन टर्म्स होते हैं सीआरएसपी सीआरएसटी दैट यू कैन नॉट यूज आफ्टर योर नेम. एनी अदर लैंग्वेज दैट सजेस्ट अ सर्टिफिकेशन इज इन पेंडिंग और ऑलरेडी ऑब्टेंड. द डेजिग्नेशन मे नॉट बी यूज अंटिल सच टाइम एज यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेशन प्रोसेस बीन अवार्डेड द डेजिग्नेशन बाय द गवर्निंग बोर्ड और द सर्टिफिकेट यू रिसीव. तो जब तक आपका पूरा ये नहीं हो जाता है लाइक आपने जब तक उसे पूरा नहीं कर लिया लाइक सर्टिफिकेशन यू हैव नॉट ऑब्टेंड, यू कैन नॉट राइट सीआरएसपी आफ्टर एन नाउ. सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप ये 12 क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत सारे आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.